待ちかねたぜ。तो क्या हाल है? मुझे लगता है आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा, या होगा या नहीं भी होगा, पता नहीं, लेट्स जस्ट से इट वंस, कि लूपिन थर्ड द फर्स्ट 3D CG एनिमे मूवी 13 मार्च को इंडिया में रिलीज होने वाली है विदाउट एनी पिटीशन। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। ये मूवी लास्ट ईयर दिसंबर में जापान और उसके अलावा बाकी कुछ कंट्रीज में भी रिलीज हो चुकी है, तो आज हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप इस मूवी को बिना किसी कंफ्यूजन के देखने जा सकें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। लूपिन 3 मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम है लूपिन 3 के ग्रैंडफादर लूपिन द फर्स्ट अपने टाइम के बड़े जाने माने चोर रह चुके थे और उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू करता है उनका ग्रैंडसन लूपिन 3। इस मूवी में लूपिन 3 एक लड़की लेटिशिया के साथ मिलकर ब्रेसन डायरी नामक खजाने को चुराने की कोशिश करता है जो कि उसके ग्रैंडफादर लूपिन द फर्स्ट भी नहीं चुरा पाए थे। लूपिन 3 का पूरा नाम है आर्सेने लूपिन द 3 और उसके कुछ साथी भी हैं जो आपको इस मूवी में दिखेंगे, जैसे कि दाइसुके जिगेन, गोएमोन इशिकावा 13, फुजिको मिने और इंस्पेक्टर कोइची ज़ेनिगाता जो कि लूपिन को पकड़ने की कोशिश करता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बाकी एनिमे मूवीज जैसी नहीं लग रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 3D CG कंप्यूटर एनिमेटेड एनिमे फिल्म है। यूजुअली एनिमे सीरीज को कन्वेंशनल 2D एनिमेशन में बनाया जाता है और CG के इस्तेमाल को एनवायरमेंट क्रिएट करने तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन 3D कंप्यूटर जनरेटेड मूवीज कम्प्लीटली कंप्यूटर्स पर बनाई जाती है, जैसे कि आपने डिज्नी की मूवीज देखी होंगी या पोकेमॉन म्यूटू स्ट्राइक्स बैक एवोल्यूशन या फिर डोरेमॉन स्टैंड बाय मी। ये सब 3D CG के एग्जांपल्स हैं। एंड लूपिन 3 द फर्स्ट इज going to be one of the best CG animation experiences you're going to see in a theater. Hands down. Honestly speaking, मुझे ट्रेलर में एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद आई और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने डोरेमोन स्टैंड बाय मी डायरेक्ट की है, मिस्टर ताकाशी यामाज़ाकी। जो दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो ये है कि क्या आपको इस मूवी को देखने के लिए कुछ और भी देखने की जरूरत है? तो जैसा कि प्लॉट से क्लियर है, ये मूवी एक सोलो एडवेंचर टाइप होने वाली है जिसके लिए आपको पिछला कुछ भी देखा होना जरूरी नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए लूपिन कौन है और वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आप बेफिक्र होके इस मूवी को एज अ सोलो एडवेंचर मूवी देखने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो घर गृहस्थी वाले, बाल बच्चों वाले इंसान जरूर देखने जाएं अपनी बंदियों के साथ। एक बार फिर बोल देता हूं, इस फ्रेंचाइजी की सारी मूवीज या सीरीज इंडिपेंडेंट हैं फ्रॉम ईच अदर, तो आप किसी को भी देख सकते हो बिना पिछला कुछ भी देखे। लेकिन तब भी अगर आपको कुछ देखना हो तो मैं आपको 3 मूवीज रिकमेंड करूंगा, जो है लूपिन द 3rd द कासल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो, लूपिन द 3rd द सीक्रेट ऑफ मामो और लूपिन द 3rd द फूमा कॉन्स्पिरेसी। इन तीनों में से स्पेशली लूपिन द 3rd द कासल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्टूडियो जिबली के को-फाउंडर हायाओ मियाज़ाकी ने खुद डायरेक्ट की है। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, या नहीं भी हैं तो भी चलेगा, क्योंकि हम इस मूवी से रिलेटेड एक आर्ट एंड क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। उसकी सारी डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, तो एक बार जाकर वहां चेक कर लीजिएगा। तीसरी चीज की ये मूवी किन स्टेट या सिटीज में रिलीज होगी एंड इज इट गोइंग टू बी एन 18+ मूवी। तो सबसे पहली चीज की एक एडवेंचर मूवी होने वाली है विच इज टारगेटेड टू एवरी एज ग्रुप, सो देयर विल बी नो 18+ सीन्स, बट इट इज गोइंग टू बी इन जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स, सो इंग्लिश आनी चाहिए। बाकी बात रही उन स्टेट या सिटीज की जहां पर ये मूवी रिलीज होने वाली है, तो वकाओ ने अब तक ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं निकाली है जिसमें ये मेंशनड हो कि ये मूवी कहां कहां रिलीज होगी, और शायद निकालेगा भी नहीं। लेकिन बुक माई शो पर 11 या 12 मार्च से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी सिटी में ये मूवी रिलीज हो रही है या फिर नहीं। नाउ द फोर्थ थिंग इज दैट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट अ सक्सेस लाइक DBS ब्रॉली और वेदरिंग विद यू, और मे बी इवन इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो कंपेरेबली बहुत ज्यादा डिजास्टर भी ना हो। हमारे पास इसकी रिलीज से पहले अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सो फिलहाल के लिए व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन आस्क योर फेवरेट क्रिएटर्स फ्रॉम एनी ट्यूबर्स टू मूवी रिव्यूअर्स टू मेक अ वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग देयर ऑडियंस, ताकि एटलीस्ट इसको बाकी मूवीज जितना चांस तो मिले। ऑल्सो ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग ऑल द ओटाकूस एज वेल। जो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं या फिर जिन एनिमे टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में तुम ऐड हो, उन सब में इस मूवी के रिलीज की इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो, बार बार स्प्रेड करो, ताकि कोई भी ऐसा बंदा ना बचे जिसको ये पता ना हो कि ये मूवी रिलीज हो रही है, क्योंकि एक मूवी के फ्लॉप होने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एटलीस्ट मेक श्योर कि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, बाकी देखने जाना
जाना ना जाना लोगों की मर्जी। बाकी टिकट्स तो अब तक नहीं आए हैं, लेकिन बुक माई शो पर ये मूवी लिस्ट कर दी गई है, तो आप जाकर वहाँ इंटरेस्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। लेट्स मेक अ टारगेट टू हिट 5K इंटरेस्टेड ऑन बुक माई शो। अगर आपको और भी इस मूवी के बारे में कुछ जानना है तो एक बार इसके ट्रेलर को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी आराम से जाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मूवी को देखने, और मूवी देखने के बाद डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर रिव्यूज ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स और ऑन IMDb और एनीवेयर यू वांट। बाकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय चल रही है वो ये है कि 10th और 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं, और जिनके बोर्ड्स नहीं भी हैं उनके भी शायद एग्जाम्स होंगे ही। तो अगर आपके भी एग्जाम्स हैं तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एनीमे आपको कमाकर नहीं देगा, आपका फ्यूचर सेट नहीं करेगा, फोकस ऑन योर स्टडीज। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है कि आपको सब आ गया है, तो मे बी यू कैन गो एंड वॉच। एनीमे देखो, लेकिन उतना जितना तुमको नुकसान ना करे। बाकी क्योंकि ये मूवी वकाओ के अंडर है तो आप इसकी स्क्रीनिंग अलग से भी करवा सकते हैं। एक मीटअप ऑर्गेनाइज कीजिए, बहुत सारे उटाकूस को इनवाइट कीजिए और स्पेशल स्क्रीनिंग एग्जाम्स के बाद अटेंड कर लेना। बाकी एक आखिरी चीज जिसके लिए हमको बहुत लोग स्पैम कर रहे हैं कि माई हीरो अकेडमिया हीरोज राइजिंग एंड डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन इंडिया में कब रिलीज होगी, तो आपके लिए अच्छी खबर है, दोनों ही मूवीज को कंसिडर किया जा रहा है। MHA के लिए कोशिश जारी है। वकाओ इज कंसिडरिंग दिस मूवी टू रिलीज इन इंडिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेने में थोड़ा टाइम लगता है, सो प्लीज वेट। और डीमन स्लेयर वालों, कम से कम जैपनीज रिलीज डेट तो आने दो, प्लीज प्लीज समझो। Alright, so that's all for today's video. I hope इससे तुम्हारे बहुत सारे doubts clear हो गए होंगे। बाकी अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो बी सेफ, क्योंकि दिल्ली सेफ नहीं है भाई, एक तरफ कोरोना दूसरी तरफ दंगे, बी सेफ ओके। ऑल्सो मैं बताना भूल गया कि हम लोग इस मूवी के टिकट्स का गिव अवे भी करेंगे अपने इंस्टाग्राम पर, सो प्लीज मेक श्योर यू फॉलो अस देयर। स्टे ट्यून्ड फॉर द गिव अवे पोस्ट जो हम कल अपने इंस्टाग्राम पर करेंगे @animatium_talks। फॉलो प्लीज, फॉलो गाइस प्लीज फॉलो, एंड प्लीज 100K भी करवा दो, सारी बातें मानो प्लीज, 100K भी करवाओ प्लीज। आई एम वेटिंग, कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं है, जाना नहीं है मुझको, मैं खाली हूँ, यहीं हूँ। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो।